हेलो जी, जय माता दी। तो आज हम लोग बनाते हैं कोदे के आटे के कदीड़कू, सिरकू भी बोल सकते हैं, कदीड़कू भी बोलते हैं। कुछ मीठे बनाएंगे, कुछ नमकीन बनाएंगे, आधे आधे बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले स्टफिंग के लिए, मतलब बेड़ुआ के लिए, ये उड़द की दाल पीसेंगे। तो ये हमने 4 घंटे पहले भगोई थी, 3 बजे डाल दिया था दिन को, अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे पीस रहे हैं। और 1 पाव दाल थी, और इसमें 1 हरी मिर्ची डालेंगे, और फिर नमक हल्दी डाल देंगे और कुछ नहीं डालेंगे। तो इसको पीसने के लिए हम डाल देते हैं। अभी इसमें हम 1 हरी मिर्ची डाल देंगे, वो अच्छा लगता है। फिर इसमें हल्दी डाल देंगे, उसी के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर नमक डाल देंगे, नमक अपने हिसाब से डालना चाहिए। और इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अभी हम इसको पीस लेते हैं। तो ये दाल हमारी पीस गई। इसको पीसने के लिए ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा जितने में पीस जाए उतना ही डालना है। और इसको दरदरा रखना है। ये हो गया हमारा उड़द का दाल, पीस लिया हमने। इसमें पीसने के लिए हमने 3-4 ही चम्मच पानी डाला, कुछ वो गीला था पहले से, फिर वो पीस जाता है। थोड़ा दरदरा सा पीसना, ना तो वो गीला हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। अभी इसको अच्छे से फेंटेंगे, वो हो जाएगा ऐसे ही। अभी हम आटा भूनते हैं। ये हम बेड़ुआ के लिए स्टफिंग, जिसको बोलते हम अपनी भाषा में बेड़ुआ बोलते, तो उसके लिए आटा भूनते। आटा ये भून ले हम गेहूँ का। तो इसको अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। इसको कढ़ाई में भून सकते, तवे पर भी भून सकते हैं, और मैं पैन में ही भून रही हूँ। वो अपनी मर्जी होती है, किसी में भी भून सकते हैं। इसको अच्छे से ब्राउन करना होता है। वो सूखा ही भूनते, इसमें कुछ डालते नहीं। ऐसे घी भी डाल सकते, पर वो ऐसे ही सूखा ही अच्छा भूना जाता है। ये हमने आटा भून दिया। अभी इसके लिए स्टफिंग के लिए जो मीठी बनाएंगे, तो अभी इसको गैस करते बंद। अच्छे से भून गया ये, अभी लाल होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अभी इसको गैस बंद कर दिया, अभी ठंडा होने देगी, तब इसको हम मिक्स कर सकते। तो इसमें हमने 200 ग्राम गुड़ डाला है, उतना ही आटा डाला है, गुड़ और आटा बराबर डाला है। अभी इसको अच्छे से कर देंगे। बस सिर्फ कट्ठा होना चाहिए, इसको गूंदने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। भुना हुआ आटा है, कद्दूकस किया हुआ गुड़ है, इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी से, पानी थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो गीला हो जाता है। थोड़े थोड़े पानी से थोड़ा थोड़ा करके गूंदना। बस वो सिर्फ गुड़ और आटा इकट्ठा आना चाहिए, उसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। हमने आटा पहले अलग से भून दिया था, और गुड़ कद्दूकस कर दिया था। फिर वो गुड़ में आटा डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा पानी से गूंद दिया। इसको ज़्यादा गीला नहीं बनाना, और अच्छे से गूंद दिया। अभी इसके बनाएंगे सिरको। हाँ जी, तो हम बनाते हैं रागी के आटे के कदीड़कू। तो ये रागी का आटा इधर हमारे को ऐसे मिलता है पैकेट में, ये 80 रुपये किलो है यहाँ पर रागी का आटा। जो तो गांव में अपना होता है, उनको आसानी है।
तो इसको आजकल सर्दियों के टाइम खाते रागी क्या कोदाई दर आदत हो गई हम लोग को भी रागी बोलने की, साउथ में रागी बोलते। तो इसको हम पूरा इसी से नहीं बनाएंगे, इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे, आधा किलो है तो इसमें 200 ग्राम के करीब गेहूं का आटा डाल देंगे, फिर अपनी मर्जी है। पर इसको पहले से गूंद के नहीं रखेंगे, इसको हम जब बनाने तभी गूंद लेंगे, इसको फुलाने की ज़रूरत नहीं होती। जो कोदे का आटा होता है वो एकदम नरम होता है, उसको बना के उसके कदीड़कू एकदम नरम बनते, कदीड़कू बोलते हैं उसको, पर वो सीड़कू की तरह ही बनते। तो इसको आटे को अच्छे से गूंद लेंगे हम लोग। वो आटे को इतना ज़्यादा गीला नहीं बनाना, जैसे फुलके रोटी के लिए बनाते हैं ना आटा, उस तरह बनाना चाहिए ना, तो ज़्यादा गीला होगा तो बनाने में प्रॉब्लम आएगी, पकाने में प्रॉब्लम आएगी। ये गेहूं का जैसा आटा नहीं होता, इसको थोड़ा जितना हम रोटी के लिए गूंदते हैं उतना सख्त गूंदना। तो ये आटा हमारा अच्छे से गूंद गया, ऐसे होना चाहिए एकदम ऐसे जैसे रोटी के लिए आटा होता है। तो इसको हमने 8-10 मिनट तक अच्छे से गूंदा है, एकदम गूंद गूंद के नरम, जितना नरम बनाएंगे उतने अच्छे बनेंगे। अभी हम इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। तो ये हो गई इसकी सामग्री तैयार, ये आटा रागी का और ये उड़द की दाल, ये है गुड़ और आटा, और ये तवा, ये है हमारा सीड़की मेकर, इसमें हम बनाएंगे सीड़की। तो सबसे पहले हमारे को पानी चाहिए हाथ में लगाने के लिए, पानी के साथ ही बनाने, थोड़ा आटा ज़्यादा लेने का है, टूट जाता है, नरम सा आटा होता है जैसे मक्की का होता है, इसलिए हमने थोड़ा इसमें गेहूं का आटा डाला, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डाला है, आधे किलो में 1 पाव 200 ग्राम ऐसे आटा डाला है, क्योंकि हम मीठे भी बना रहे नमकीन भी तो टूट ना जाए इसलिए। इसमें हम ये उड़द की दाल भर देंगे। तो इसके ऐसे क्या है मिक्सी में पीसा आटा गीला बन जाता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, उड़द की दाल ये तो पक जाती है। ऐसे जो साइड हमने ऊपर को किया उसको नीचे को कर देंगे और ऐसे रख देंगे, दबाएगी नहीं इसको, ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही पकाएगी दोनों साइड। इसको हम तवे पर बनाएंगे। थोड़े छोटे छोटे ही बनाएंगे। तो जितना इसमें स्टफिंग ज़्यादा होगा उतना अच्छा बनेगा। ऐसे तो पहले भी पका देते हैं, जो उड़द की दाल होती है पहले ही उसको भाप में पका देते, पर वो इतना अच्छा नहीं बनता, फिर वो फूलता नहीं है, उसको फिर हम मसल देते भाप में। तवे में थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया था, तो दबाएगी नहीं है, ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही बनाएंगे हम इसको। इसको ऐसे हम
दोनों साइड से पकाएंगे, फिर क्या होता है कि एक दूसरे में चिपकता नहीं है, और जो सिरकू मेकर में हम बनाते हैं उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा डाल सकते हैं हम। फिर इसमें क्या है, जैसे उड़द की दाल पहले नहीं पकाई हमने, इसलिए इसमें ऐसे छेद कर देंगे, किसी भी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। फिर क्या वो दाल में अंदर तक भाप जाती है और पक जाते हैं जल्दी। इस तरह सिरकू में भी ऐसे ही करते हैं ना, तो पहले पका दे तो वो इतना अच्छा नहीं बनता, इसमें क्या है फूल जाता है अंदर, जो दाल हमने स्टफिंग के लिए भरी है वो फूल जाएगी। जब इसको बदले हम उसी टाइम इसमें छेद कर दे तो अच्छे से अंदर तक दाल जल्दी पक जाती है। तो ये जाली है जिसके ऊपर हम सिरकू रखेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा घी या तेल लगा देंगे जो चिपके नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं। हमारा सिरकू मेकर बना रखा हमने, इसको ऐसे लगा देंगे। इसमें दोनों साइड उल्टी साइड हमने पहले कर दिए थे, सीधी साइड है अभी उल्टी साइड भी कर देंगे, इसको भी हम दूसरी साइड कर देंगे और उसमें छेद कर देंगे ऐसे दो। अभी इसको हम ऐसे रख देंगे, तो इस तरह रख देंगे, ऊपर से ढक्कन लगाने देंगे तो पक जाएंगे। इसके ऊपर और रखेंगे हम ये मीठे वाले बनाते, उसको भी ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, फट ना जाए इसलिए थोड़ा मोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ होता है वो फट जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसके लिए रोटी जो है हम थोड़ी चौड़ी बना देंगे ऐसे, इसमें गुड़ डाल देंगे ऐसे चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे करना पड़ता है, ये आटा ना एकदम नाजुक सा होता है ऐसे, इसमें कुछ भी दबाना नहीं है, जैसे गोला बना दिया ऐसे इसको तवे पर डाल देंगे। ये एकदम नरम बनते गेहूँ के होते हैं ना, अगर आटा ना फूले तो एकदम सख्त हो जाते हैं, और जो कोदे के आटे के होते हैं रागी के आटे के, वो एकदम नरम बनते पक्के भी। फिर हम इसको बदल देंगे दूसरी साइड, और इस साइड ये ऊपर की साइड नीचे को डाल देंगे, पर इसमें छेद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको धीरे धीरे इसको अच्छे से पकने देंगे दोनों साइड से, ऐसे तवे में भी थोड़ा थोड़ा तेल या घी लगाना चाहिए, और ये बहुत पौष्टिक होते हैं, सर्दियों में खाने चाहिए। सर्दियों में इसका चिल्टा बना सकते हैं, सिरकू बना सकते हैं, और रोटी बना सकते हैं, कई चीज़ें बनती है इसकी, एक घेघरी भी बनती है इसकी कोदे और गेहूँ के आटे की, और लाठी भी बनते हैं, वो भी मैं बाद में बना के दिखाऊंगी। ये पहले डाले थे हमने तीन, अभी हम इसमें पहले दाल के डाले ऊपर
गुड़ के रखते, इस तरह बनाते तो ज़्यादा बन जाते। और जहाँ दोनों सिरकू का जॉइंट आता है वहाँ पर रख देना चाहिए, फिर वो आराम से पक जाते हैं इस तरह से। अब इसको आराम से पकने देंगे 15 मिनट तक, 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, क्योंकि दाल के थोड़े लेट ही पकते हैं और उसके गुड़ के तो जल्दी पक जाते हैं। गुड़ में छेद नहीं करने, दाल वाले में छेद करने। अब हम इसको चेक करते और पके नहीं पके, ऐसे तो ऐसे भी पता चल जाता, अच्छे से डम डम आ रहा हल्का लग रहा है तो पके हैं, फिर भी उड़द की दाल होती है ना उसका भरोसा नहीं होता। ये अच्छे से पके हैं, ये तो गुड़ वाले हो तो चिपकेगा गुड़ इसमें, तो अभी हम इसको निकाल देते। तो इसको मारे को प्लेट ही ऊपर निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे सिरकू हो गए तैयार, कदीड़कू कोदे के आटे के कदीड़कू, उत्तराखंड में इसको मंडुआ बोलते, हिमाचल में इसको कोदा बोलते, महाराष्ट्र में इसको नाचनी बोलते और साउथ में, पूरे साउथ में इसको रागी बोलते, रागी के आटे के। तो अभी हम इसको निकालते खाने के लिए। ये हमारे मीठे है और ये हमारे उड़द के दाल के नमकीन है। तो इसको हम थोड़ा काट लेते, इसको हाथ से टूट जाएंगे, पर वो एकदम में भी बहुत गर्म है। ये हमारे नमकीन है और ये हमारे मीठे हो गए गुड़ वाले। तो ये हो गया हमारा डिनर तैयार। अभी तो हम खाएंगे कैसे इसको, ऐसे घी के साथ खाएंगे। और आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।